हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को स्किप करे बिना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजक का 6 सूत्र। फर्स्ट नंबर, जहाँ तक कि आप सब कोई जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो सब कोई जानता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देन कैसे इसको बनाया जाता है, इस पर कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे बनाते हैं, ये आपको नहीं पता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन बताता हूँ। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 2a प्लस 3b, तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा, अब कैसे बनाते हैं आपको यह सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सूत्र के अनुसार ए स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर करना है, और फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 ही रखना है और गुना देना है। यहाँ पे दिया है a और b है, तो ए में है 2a, तो 2a गुना फिर बी में 3b, तो 3b यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखना है। और फिर यहाँ पे बी स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे b है तो बी स्क्वायर आपको मतलब 3b है तो 3b स्क्वायर रखना है। तो 2 के स्क्वायर तो सभी लोग जानते होंगे कि 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा। तो चलिए 4a स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस, 2 दूनी इसमें और इसको तीनों में गुना करना है, तो 2 दूनी 4 चाहते हैं 12ab हो जाएगा। और फिर प्लस है तो प्लस, 3b का स्क्वायर करना है 3b, तो 3 का स्क्वायर आप सभी कोई जानते हैं कि 3 का स्क्वायर होता है 9b स्क्वायर, तो यही होगा 9b स्क्वायर आपका आंसर, राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर आपको क्वेश्चन सूत्र है, सॉरी दोस्तों, सेकंड नंबर सूत्र है कि a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इसका सूत्र होता है, फिर माइनस होता है और 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन लेंगे। तो मैंने दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 5a माइनस 2c। यहाँ पे ए माइनस का सूत्र मैंने पहले ही बता दिया है और 5 उसी सूत्र के आधार पर आपको बैठाना है। चलिए मैं उसी सूत्र पर बैठाता हूँ, 5a स्क्वायर और माइनस है तो माइनस, और 2 गुना 5a गुना 2c प्लस है तो प्लस, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसको यहाँ पे 2c स्क्वायर कर देना है। फिर इसको 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस, अब इसको गुना करना है तीनों में, 2 बच्चे 10 10 दुनी 20 20 20 ac प्लस, यहाँ पे 2c है तो 2c का स्क्वायर करना है, तो 2c नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 4 लिखेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4c स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देखते हैं a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, इसको सूत्र आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है। तो इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन हो गया यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू यहाँ पे हो गया, और फिर वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसी सूत्र के आधार पर सिंपल ही बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर के स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करता हूँ, और फिर माइनस है, यहाँ पे सूत्र में माइनस है तो माइनस ही देंगे, दूसरे चीज़ प्लस माइनस नहीं देंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3/2 है क्वेश्चन में, तो 3/2 का भी स्क्वायर कर लेंगे, और सिंपल सी अब हम इसको स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पे तो कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे वाई का स्क्वायर वही हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा वाई 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है,
और बटा में हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 बटा 4 आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा।